अमरवाड़ा में 16 शताब्दी के महान संत सदगुरु तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की 575वीं जन्म जयंती अगन सुदी सप्तमी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अमरवाड़ा तरन तारण जैन समाज द्वारा मंदिर में सुबह से ही विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें देवांगलि पूजा, झंडा वंदन, रजत जिनवाणी और पालकी शोभा यात्रा जैसे प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर अम्बेडकर नगर में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से अधेड़ महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। सांस की समस्या होने पर हीरामणि नाम की महिला को उसके परिवार वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने हीरामणि की सीबीसी जांच प्राइवेट पैथोलॉजी से कराई। इंजेक्शन का डबल डोज देने से हुई महिला की मौत। परिवार वालों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। भिंड में उमरी पुलिस ने लूटे गए सोने चांदी के जेवरात और घटना में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। राम कनावर के मुन्ना सिंह भदौरिया बेटे की शादी के लिए सोने चांदी के जेवरात घर ले जा रहे थे, तब कनावर चिराहे पर दो बदमाशों ने मुन्ना सिंह के दामाद राजू सिंह से जेवरात का थैला लूट कर फरार हो गए, जिसमें 4.5 लाख रुपए के गहने थे। बाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 28 साल पुराने मामले में फरार वारंटी को थाना सर्वे पुलिस ने बंगाल की खाड़ी की सीमा के पास गिरफ्तार किया। नाम और धर्म बदलकर ये अपराधी वहां लंबे समय से रह रहा था। सर्वे में 28 साल पुराने इस मामले में फरार चल रहे वारंटी को पुलिस ने बंगाल की खाड़ी सीमा से पकड़ा। बदमाश पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी पहचान और धर्म बदलकर इस एरिया में रह रहा था। इस पर 10,000 का इनाम घोषित था। छतरपुर जिले की चांदला विधानसभा अंतर्गत आने वाले थाना गोरिहार का छतरपुर एसपी अमित सांगी ने भ्रमण कर वहां भ्रमण कार्यक्रम हुआ, जहां थाने में नवनिर्मित बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन भी हुआ। साथ ही थाने में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। छतरपुर एसपी अमित सांगी, गोरिहार एसडीएम देवेंद्र चौधरी से लेकर एसडीओपी नवीन दुबे, तहसीलदार आकाश नीरज और थाना प्रभारी गोरिहार धाकड़ मौजूद रहे। वाहन चोरी करने वाले गिरोह का ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने हिमांशु, कपिल, दीपांशु और कार्तिक नाम के 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की कुल 9 बाइकें बरामद की गई है। पकड़े गए चोर पहले नोएडा एनसीआर क्षेत्र में रेकी करते और फिर वाहन को चोरी करते थे। चोरी किए गए वाहनों के चेचेस और इंजन बदल कर इन्हें बेच दिया करते। इंदौर में किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह तेज रफ्तार ट्रेन ने ट्रैक पर खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मारी और धमाके के साथ कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर आरपीएफ और रेलवे की टीम पहुंची थी और वहां कार्रवाई की गई। हालांकि घटना के कोई जानहानि तो नहीं हुई है। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर और पालिया रेलवे स्टेशन के बीच में मंगलवार सुबह को एक सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली से इंदौर की ओर जा रही थी, जो कार से जा टकराई। इंदौर के खंडवा रोड स्थित ग्रीनलैंड सेंट्रल कॉलोनी को लेकर प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होने की शिकायत लिए कॉलोनाइजर अरविंद बंजारी के खिलाफ कुछ लोगों ने इंदौर कलेक्टर टी इलिया राजा टी से मुलाकात की, जहां जनसुनवाई में उन्होंने बताया कि सालों से उन्होंने अरविंद बंजारी की कॉलोनी में प्लॉट तो लिया, उनकी रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है। मामले में कॉलोनाइजर अरविंद बंजारी जेल भी जा चुका है, जो जमानत पर अब छूट चुका है। इंदौर के इस डीएसपी का अमेरिका में भी डंका बज रहा है। इंदौर ग्रामीण में पदस्थ डीएसपी उमाकांत चौधरी को उनके द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग में किए गए कार्यों को देखते हुए मैरिलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका ने पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि डीएसपी उमाकांत चौधरी ने पुलिस की विभिन्न शाखों में रहते हुए अनेक शानदार कार्य किए। जालौन में चोरों ने सूने घर में से लाखों के जेवरात और नकदी पार कर दी। यूपी के जालौन में चोरों के हौसले लगातार बढ़ चले हैं, जो उरई कोतवाली पुलिस को लगातार खुली चुनौती दे रहे हैं और घरों को निशाना बनाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरी घटनाओं के बाद भी उरई पुलिस चोरी के खुलासे करने में अभी तक नाकामयाब साबित हो रही है। झांसी में 3 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। 3 साल की मासूम से दरिंदगी हुई। दरिंदा बेसुध हालत में ही मासूम को छोड़कर भाग गया। बाद में उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समतर थाना क्षेत्र में गांव के घर में 3 साल की मासूम बच्ची खेल रही थी। इसी दौरान उसके चचेरा भाई उसे सुनसान जगह पर खेलने के बहाने ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। कानपुर में देर रात कार सवार दबंगों ने जबरदस्त उत्पात मचाया। लगभग 1.5 दर्जन कार सवार दबंगों ने जमकर मारपीट की और तोड़फोड़ भी की। मारपीट के दौरान 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना को अंजाम देने के दौरान कार सवार दबंग फायरिंग भी करते हुए वहां से फरार हुए। अम्बेडकर कार्यक्रम के समापन के दौरान दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में यातायात पखवाड़ा के अंतर्गत अपर एसपी ने मुख्यालय के मेन चौराहा परमानंद पर चेकिंग अभियान चलाया। इसमें यातायात नियमों का पालन करने वाले बाइक सवारों को अपर एसपी सत्यम ने गुलाब का फूल देकर उनका उत्साहवर्धन किया और गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने के निर्देश दिए। चेकिंग के दौरान जो भी बाइक सवार बिना हेलमेट और नियमों का उल्लंघन करते दिखा, उनको चेतावनी दी गई और चालान भी काटे गए।
महोबा के रेरा पत्थर खदान से ट्रैक्टर गिरने से मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पहाड़ से 150 फीट से अधिक ऊंचाई से ट्रैक्टर नीचे जा गिरा। पहाड़ में खनन के दौरान ये हादसा हुआ। घटना महोबा शहर के कोतवाली के डेहरा गांव के एमएस पहाड़ पर हुई। यह हादसे के बाद महोबा जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों को समय से सूचना नहीं दी गई, जिसको लेकर नाराजगी देखने को मिली। मेरठ थाना दौराला क्षेत्र के मीवी मीरा में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला घर से बाहर सामान लेने जा रही थी, तभी बाइक सवार युवक ने महिला पर भी फायरिंग कर दी। बाइक सवार ने 3 गोलियां चलाई, 2 गोली महिला के सीने में जाकर लगी। फॉरेंसिक टीम ने नमूने कलेक्ट किए हैं, पिस्टल के 2 खोखे भी बरामद हुए हैं। हत्या का कारण महिला का शादी के बाद अफेयर बताया जा रहा है। गोंडा में डीएम नेहा शर्मा ने नगर पालिका रेन बसेरे का निरीक्षण किया, साथ ही वहां पर ठहरे लोगों से रेन बसेरे की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। बता दें कि डीएम ने रेन बसेरे की व्यवस्थाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान श्रावस्ती बहराइच के लोग भी इसमें शामिल थे। पीलीभीत की कोतवाली पुरनपुर पुलिस ने एक तस्कर के पास से 13 ग्राम अवैध स्मैक जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर थाना पुरनपुर पुलिस टीम ने गुलाम हसन के नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। ग्राम शेरपुर के बिजली घर तिराहे के पास आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। प्रयागराज में एलकेजी से सेकंड क्लास के छात्रों ने सेंट जोसेफ कॉलेज के ऑडिटोरियम में किड्स फेस्ट में जमकर धमाल मचाया। इसे लोगों का दिल जीत लिया। देशभक्ति के गीतों पर आधारित नृत्य नाटिका के साथ सूफी कव्वाली और देशभक्ति की विभिन्न वेशभूषा में प्रस्तुति देकर लोगों को बच्चों ने आश्चर्यचकित कर दिया। रायबरेली में रेलवे स्टेशन के पास बाइक सवार युवक की बड़ी लापरवाही दिखी। मौत को दावत देता युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जो पटरियों को पार कर रहा है। एक तरफ आ रही ट्रेन तो दूसरी तरफ पटरियों से बाइक पार कर रहा है ये युवक। रेलवे स्टेशन के करीब 3 रेलवे ट्रैक को पार करके वहां से निकलता दिखा। जीआरपी पुलिस की भी लापरवाही इसमें मानी जा रही है। रेलवे में कई किसानों की जमीन फंसी हुई है, जिसमें किसानों की मांग पूरी होती हुई नहीं दिख रही। ऐसे में अब किसानों ने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो इसके आगे इच्छा मृत्यु की भी मांग होगी। रेलवे प्रभावित किसानों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण के बदले विभाग ने उन्हें मुआवजे के साथ नौकरी देने का कानूनी वादा किया, लेकिन अब इस पर काम नहीं हो रहा। सहारनपुर के थाना फतेहपुर के बड़कला चेक पोस्ट हाईवे के पास एक उत्तराखंड वॉल्वो बस देहरादून से जो दिल्ली जा रही थी, खनन से भरे इस वाहन की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो गई। देहरादून से सहारनपुर की ओर जा रहा था, बड़कला पुल के पास ओवरटेक के चक्कर में दोनों आपस में टकराए और जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें वॉल्वो गाड़ी का कंडक्टर बाहर जाके गिरा और टायर के नीचे कुचल गया। मंगलवार सुबह भोपाल रेंज की ग्रामीण डीआईजी मोनिका शुक्ला विदिशा पहुंची, जहां उन्होंने वार्षिक निरीक्षण में पुलिस के तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विदिशा पुलिस द्वारा किए गए मार्च पास का भी अवलोकन किया। बताया गया कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस की तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुनने के लिए भी एक दरबार आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय परिसर में कैंटीन का शुभारंभ किया। कैंटीन गढ़वाल मंडल विकास निगम ने स्थापित किया। इस दौरान सीएम ने कॉफी टेबल बुक दी होली गंगा का भी विमोचन किया। सीएम धामी ने बताया कि कैंटीन खुलने से सचिवालय कार्मिकों के साथ साथ प्रदेश के कई क्षेत्रों से सचिवालय आने वाले लोगों को भी जलपान और भोजन की सुविधा मिल पाएगी। कई देशों में तेजी से फैल रहे कोविड के नए वेरिएंट को लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की। इसी क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में कोरोना के इस नए वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया। साथ ही बताया कि नवंबर महीने से कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया। हरिद्वार में ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले का संतों ने स्वागत किया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को रद्द करने का फैसला सुनाया। इसी को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में खुशी दिखाई दे रही है। इस मौके पर संतों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोर्ट ने श्रीराम मंदिर का फैसला सुनाया, जल्दी ही ज्ञानवापी और मथुरा पर भी कोर्ट फैसला सुनाएगा।